सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कल्याण ज्वेलर्स, नजारा टेक्नोलॉजीज एंड सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओस का ग्रे मार्केट में आज यानी कि 23 मार्च 2021 के दिन क्या प्रीमियम चल रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कल्याण ज्वेलर्स के आईपीओ की। देखिए जो आईपीओ है 16 से 18 मार्च के बीच ओपन था अप्लाई करने के लिए। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो करीब 86-87 इसका प्राइस बैंड है, यानी 87 रुपये में आपको एक शेयर मिलने वाला है। वहीं लॉट साइज़ की बात करें तो एक लॉट में करीब 172 शेयर्स होंगे। वहीं रिटेल पोर्शन की बात करें तो यहां पर 35% रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है। वहीं आज के दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो यहां पर कोई भी प्रीमियम चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कल के दिन मैंने प्रीमियम बताया था करीब 0.25 के आसपास था, यानी कि 86-87 रुपए में आपको एक शेयर मिलने वाला था, 0.25 का प्रीमियम था और करीब 87.25 के आसपास ये लिस्टिंग के संकेत देता हुआ नजर आ रहा था और यहां पर आज कोई भी प्रीमियम नहीं बता रहा है, यानी कि हम मान सकते हैं कि जीरो प्रीमियम हो गया है। और ये इस बात की बिल्कुल हम सोच सकते हैं कि अगर आपको ये आईपीओ अलॉट होगा तो निश्चित रूप से डिस्काउंट प्राइस पर ओपन हो सकता है और जितने में आपने इसको अलॉट किया है, आपको अलॉट हुआ है ये आईपीओ, उससे भी कम दाम में ये ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। तो निश्चित रूप से ये आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है और अगर आपको कम दाम पर मिलता है ये आईपीओ तो निश्चित रूप से आपको अपनी पोजीशंस को ऐड करना चाहिए। देखिए मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि लिस्टिंग गेन के लिहाज से मैंने भी इस आईपीओ को रिकमेंड नहीं किया था। लिस्टिंग गेन के लिए आई थिंक किसी ने भी इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किया होगा। ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये सोचा होगा कि भाई हमें आईपीओ तो अलॉट होता नहीं है, चलो सब में अप्लाई कर देते हैं, कोई ना कोई अलॉट हो ही जाएगा। देखिए अलॉट होने से मतलब नहीं है, अलॉट हो और उसमें अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिले तभी फायदा है। अलॉट होके वो कम दाम पर ही लिस्ट हो जाए तो इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। ये आईपीओ वैसा ही था और इसमें लिस्टिंग जो है अपने इशू प्राइस से कम दाम पर होने की संभावनाएं यहां पर बनी हुई हैं। तो अगर आपको ये आईपीओ अलॉट होता है तो निश्चित रूप से आपको यहां पर संभल कर ट्रेड करनी चाहिए और बड़ी ही सूझबूझ से कोई भी फैसला लेना चाहिए। हालांकि ये जब आईपीओ का अलॉटमेंट आ जाएगा तो मैं इसके बारे में वीडियो जरूर बनाऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। अभी फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट आईपीओ जो है नजारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का आईपीओ। ये आईपीओ 17 से 19 मार्च के बीच ओपन था अप्लाई करने के लिए। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो करीब 1100 से 1101 इसका प्राइस बैंड रखा गया था, यानी 1101 रुपए में आपको एक शेयर मिलने वाला था। वहीं लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में करीब 13 शेयर्स होंगे। वहीं रिटेल पोर्शन की बात करें तो मात्र 10% शेयर यहां पर रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखे गए हैं। वहीं ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन ग्रे मार्केट का प्रीमियम करीब 710 से 730 रुपए के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर कल की बात करें तो कल के दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम करीब आपको 740 रुपए के आसपास दिख। अब देखिए आज का जो प्रीमियम है 1101 रुपए में आपको शेयर मिलेगा, 730 रुपए में आपको प्रीमियम जो है यहाँ पर मिलेगा और 1 रुपए यहाँ पर 3 और 8 और 1831 रुपए के आसपास ये लिस्टिंग के संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आईपीओ काफी बढ़िया है और इस आईपीओ में आपको बढ़िया लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकते हैं, यानी 80% से भी ऊपर लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकते हैं क्योंकि इसका जो हाईएस्ट लिस्टिंग गेन है वो जो प्रीमियम है करीब 910 रुपए के आसपास है जो कि हाईएस्ट गया है। देखिए फाइनेंशियल काफी ज्यादा हिले हुए हैं लेकिन इस कंपनी के पीछे एक बहुत बड़े आदमी यानी राकेश झुनझुनवाला का हाथ है जिसके कारण यहां जो प्रीमियम है वो आपको ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। जहां सारे जो आईपीओज हैं उनके ग्रे मार्केट प्रीमियम नीचे जा रहे हैं वहीं यहां पर ये 700 के लेवल पर आकर स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं नेक्स्ट आईपीओ की बात करें तो यहां पर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ है। ये आईपीओ भी 17 से 19 मार्च के बीच ओपन था अप्लाई करने के लिए। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो करीब 303 से 305 इसका प्राइस बैंड रखा गया था, यानी 305 रुपए में आपको एक शेयर मिलने वाला है। वहीं लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में करीब 49 शेयर्स होंगे। रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो यहां पर भी 35% शेयर जो है रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखे गए हैं। अगर आज के दिन इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो यहां पर भी कोई भी प्रीमियम चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर ब्लैंक हो गया है। कल के दिन जो प्रीमियम था करीब 5 से 7 रुपए चलता हुआ नजर आ रहा था, यानी कि 305 रुपए में आपको एक शेयर मिलने वाला है। 7 रुपए के प्रीमियम के साथ करीब 312 रुपए पर लिस्टिंग के संकेत यह देता हुआ नजर आ रहा था लेकिन आज देख सकते हैं यहां पर कोई भी प्रीमियम नहीं चल रहा है। इसका मतलब यह है यह भी तैयार हो रहा है डिस्काउंट प्राइस पर लिस्टिंग के लिए। अब देखिए
लिस्टिंग इसकी अगर डिस्काउंट प्राइस पर होती है, ये आईपीओ मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे गेंस दे सकता है, करीब 30-40% ईयरली रिटर्न्स ये आपको देने की क्षमता रखता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को रख सकते हैं, लेकिन अगर जिसने भी इस आईपीओ में अप्लाई किया है उसको लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ को रखना चाहिए। लिस्टिंग गेन के लिहाज से तो पहले भी आपको इस आईपीओ को रिकमेंड नहीं किया गया था। तो देखिए, ये आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम थे आज के दिन के। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।